प्रयास कर लिया। जब वो ग्रह अंदर की ओर खींच करके ले जाता है महाराज, ग्रह अंदर की तरफ खींच के ले जाता है, तो अपनी पत्नियों से अपने बच्चों से कहता है कि मुझे अंदर कोई खींच करके ले जा रहा है, मुझे बाहर निकालिए। पत्नी बच्चों ने सबसे सूंड से सूंड मिलाकर महाराज उस सरोवर से बाहर खींचना शुरू कर दिया। बराबर लगे हुए हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बाहर खींचने में लगे हुए हैं। 3 महीने तक बालक लगे रहे, बच्चे पत्नी महाराज 3 महीने तक बराबर लगे रहे। आज बच्चों ने बोल दिया कि पिताजी अब हमसे नहीं होता है, अब हमसे नहीं होता है, आप हैं के निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। 3 महीने हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और आप हैं के निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हम तो चले। जैसे ही बच्चे जाने लगे महाराज, आज गजेंद्र रोने लगा, आंखों से आंसू चलने पड़े। अपनी पत्नियों से कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवी तुम देख रही हो ना, इन बालकों को मैंने कितना प्रेयर से पाला, बड़ा किया। आज इस दिन के लिए मैंने बड़ा किया था कि आज मैं परेशान हूं और मुझे छोड़ करके चले गए, आज मैं संकट में हूं मुझे छोड़ करके चले गए। रुदन करने लगा महाराज, रोने लगा। कुछ महाराज 3 महीने तक पत्नियां भी लगी रही, खींचा खींच खींचा खींच महाराज, पत्नियां भी लगी रही। लेकिन जब लगा कि पत्नियां 3 महीने हो गए निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो पत्नियां भी महाराज हटना शुरू हो गए। ऐसा होता है जब हॉस्पिटल में हम एडमिट हो जाते हैं ना, तो वहां बच्चे भी होते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं महाराज, पत्नी भी हुआ करती है। ये किस सरोवर की बात हो रही है, ये गजेंद्र कौन है, ये बच्चे कौन है, कल्पना करने वाली बात है। आए देखा और चले गए। बच्चे भी महाराज 4-6-8 दिन तक रुकते हैं, पत्नी भी महाराज रहती है, खूब सेवा करती है। लेकिन जब पत्नी को भी लगता है ना कि पैसा भी खर्च हो रहा है और कुछ पता भी लग नहीं रहा है कि क्या होगा, तो अंत में यही बोल देती है, भगवान या तो जा तरफ को कर दे या बा तरफ को, अब तो तुम्हारे ऊपर है, पैसा भी खर्च हो रहा है, सब आए और सब धीरे धीरे निकल लिए। यही महाराज गजेंद्र के साथ में हुआ, यही महाराज गजेंद्र के साथ में हुआ। बच्चे चले गए, पत्नियां जाने लगी। सब धीरे धीरे महाराज जाने लगे। आज गजेंद्र मन में सोचता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने अपना मन इस परिवार के लिए लगाया, इन दुनिया वालों के लिए लगाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इन बच्चों के लिए, इन पत्नियों के लिए मैंने क्या नहीं किया। आज गजेंद्र कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर यही काम मेरे पहले समझ में आ जाता तो ये गलती कभी ना होती। गजेंद्र कहता है आज, दुनिया वालों से बेटे लगा दे, गलती कर गया साहब। गजेंद्र मन में विचार करता है कि गलती हो गई। राधे श्री राधे, साउंड भी आई आज। हेलो 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 श्री राधे, राधे श्याम, पहले तो बेस कम कर जाको थोड़ा सो, जी लग रही है जैसे माइक पे बैठ के उड़ने वाला हूँ थोड़ी देर में। मैं बेस कम करो थोड़ा सो, जो अभी भैया आए थे वो कहाँ चले गए फिर से। हेलो
बार बार कर रहा है भैया मेरे। अब भजन का पूरे दिन भजन ही होते रहेंगे क्या यार? साउंड आज महाराज गजेंद्र कहता है, दुनिया बालों से बैठे लगा दिल, सोचता है कि गलती हो गई बहुत बड़ी मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपना दिल दुनिया बालों के ऊपर लगा बैठा है। दुनिया बालों से बैठे लगा दिल, अपने हृदय से प्रभु को मिटाया, ऐसी नादानियां कर गए हम, अपने हृदय से प्रभु को मिटाया। आज गजेंद्र महाराज कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मुझे समझ आया कि कौन किसका है। गजेंद्र महाराज आज रोता है, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, ऐसी दुनिया की जब याद आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। महाराज गजेंद्र रोता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने संसार के लोगों से दिल लगा लिया। बताए ये गजेंद्र कौन है? ये महाराज गजेंद्र कौन है? गजेंद्र महाराज मोह का रूप बताया गया है। वो जो गिरा है ना, जो पैर पकड़े खींच रहा है अपनी तरफ, वो ममता है। जब हमारी शादी होती है ना, सिर पर मोहर रख करके जाती है मुकुट, तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारी शादी होने को जा रही है। उस समय हम फूले नहीं समाते हैं कि हमारी शादी होगी, और जैसे ही महाराज पहुंचते हैं शादी होने लग जाती है। जिस सरोवर में जब आप धीरे 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 चलना शुरू हो जाते हो, जब शादी होके घर आ जाते हैं, बाल गोपाल होते ममता, जब ममता बनने लग जाती है वो अपनी तरफ खींचती है। मन करता है कि ठाकुर जी का भजन कर ले, लेकिन ममता पैर पकड़े हुए है महाराज कि कहां जाते हो, मेरी तरफ आ जाओ। और उधर पंडित जी महाराज वचन बरबा लेते हैं, बरबाते हैं ना कि एक दूसरे को देख करके चलना चाहिए। पंडित जी महाराज उधर वचन बरबा लेते हैं। एक वो गाना चलाता आज से बहुत समय पहले, गाऊंगा नहीं सिर्फ बताऊंगा। एक पहले गाना चलाता पंडित जी महाराज, महाराज वचन बरवा लेते हैं। और सबसे बड़े कष्ट की बात तो जब होती है जब ये पता लग जाता है कि अब इन्हीं के साथ जीवन पर्यंत रहना है, जब किन्हीं जोड़ों में तालमेल नहीं बैठता है कि इन्हीं में रहना है। तो एक गाना और चलाता, छोड़ेंगे न हम, चलाता ना पहले। एक जन्म की बात नहीं कही, जन्म जन्मों की बात बोल डाली महाराज उसमें, कि तू कहीं भी जा तेरे पैर पकड़े बैठे हैं, तू भगवान की तरफ चलना भी चाहेगा तो हम तेरे पैर पकड़ के खींचते रहेंगे। ऐसा सरोवर है महाराज, ऐसा सरोवर है महाराज। कहते हैं तो आज विलाप करता है, रोता है कि मैंने बच्चों के लिए पत्नियों के लिए सबसे बिगाड़ दी, भगवान का कभी चिंतन नहीं किया। आज महाराज गजेंद्र भगवान का चिंतन करता है, कैसी स्तुति की जिसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं था, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं था। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या क्षमादाय मनोहृदये, ऐसी स्तुति की महाराज, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया, लेकिन सब देख रहे थे। जब गजेंद्र डूब रहा था सरोवर में तो सब टकटकी लगा करके देख रहे थे। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मेरा नाम नहीं आता है तो चार मुंह वाला बोल देता तो बचाने पहुंच जाता। शंकर कहते हैं कि मेरा नाम पूरा नहीं आता है तो बम बम बोल देता तो मैं बचाने के लिए पहुंच जाता।
महाराज शब देख रहे हैं कि कब हमारा नाम ले तब हम इसे बचाने के लिए जाएं। लेकिन मेरे गोविंद ने देखा कि जब किसी का नाम नहीं होता है वो मेरा नाम होता है, मैं जाऊंगा बचाने के लिए। अपने महाराज गरुड को आदेश दिया कि चलिए। उधर महाराज गरुड को अभिमान हो गया कि भगवान जाते हैं मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, मैं जहां जाता हूं वहीं भगवान जाते हैं। भगवान ने सोचा कि गजेंद्र को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन इनके अंदर जो अभिमान आ गया है, जो गुमान आ गया है, उसे दूर करना भी बहुत आवश्यक है। जैसे गरुड़ आया कि महाराज बैठिए चलिए, भगवान ने अपनी कन्नी उंगली उसके ऊपर रख दी कि चलो महाराज। गरुड़ कहता है महाराज क्यों मजाक करते हो, अच्छे से बैठिए कि नहीं, तुम चलिए। महाराज जैसे उड़ने का प्रयास करता है, तिल भर भी आगे ना चिक सका। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे लेकर के नहीं चलते हो, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। आप मुझे लेकर के नहीं चलते हो, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ। महाराज जैसे ही भगवान गए, गजेंद्र ने जैसे ही गोविंद को आते हुए देखा तो सरोवर से महाराज पुष्प तोड़ा और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि भगवान अपने सुदर्शन चक्र से महाराज उस ग्रह का उद्धार कर दिया। ये ग्रह मगरमच्छ जो था वो कौन था, ये पूर्व जन्म में महाराज हुहू नाम का गंधर्व था। एक संत जी यमुना में स्नान कर रहे थे, भजन कर रहे थे, ये महाराज उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है और उन संत जी का पैर पकड़ लेता है और बाहर निकल करके ताली बजा बजा कर जोर जोर से हंसने लग जाता है। संत जी को क्रोध आ गया है और तुझे जल में रहने का बहुत शौक है, जा तू ग्रह बन जा, मगरमच्छ बन जा, तू मगरमच्छ बनेगा, ग्रह बनेगा। क्षमा याचना करने लगा कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। संत जी कहते हैं कि मैं इस श्राप का कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन तेरा कल्याण करने के लिए महाराज गोविंद आएंगे, मेरा कन्हैया आएगा। तो महाराज आज ग्रह का उद्धार किया तो महाराज मैं धन्य हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सब बाकी की बात होती है, उद्धार करने के लिए गजेंद्र का आए थे और वो मुक्ति मिल गई ग्रह को, सब महाराज भाग्य की बात होती है। अब बार बार कहूंगा तो ये लोग भी ये सोचेंगे कि साउंड के पीछे पड़ गए महाराज, आज आवाज खींच रहा है मेरी मालिक, बहुत ताकत लगा के बोलना पड़ रहा है। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, इधर महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं सब भाग्य से प्राप्त होता है, भगवान के द्वारा जो हमें मिल जाए उसे प्रसाद रूपी में हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी भी मन में ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि आज प्रसाद में हमें क्या मिल गया। लोगों की भावना होती है कि अगर प्रसाद में कुछ खाने को मिलता है तो बड़े भाव से खाते हैं, बड़े महाराज भाव से खाते हैं अगर कुछ खाने को मिल जाता है। और प्रसाद में अगर कहीं माला मिल जाए, कहीं पुष्प मिल जाए, कहीं तुलसी दल मिल जाए तो लोग फेंक देते हैं महाराज, फेंक देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग प्रसाद का अपमान करते हैं ना महाराज, उनसे लक्ष्मी छीण हो जाती है। प्रसाद एक बार लो, दो बार लो, दस बार लो, लेकिन प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद आप जितनी बार ले सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा है, प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर हमें कहीं माला मिल जाती है, पुष्प आ जाता है, हम उसे निकाल करके फेंक देते हैं और खाने वाले प्रसाद को खा लेते हैं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि के यहाँ महाराज इंद्र गए थे, इंद्र को प्रसाद के रूप में वहां पर महाराज एक माला मिली,
उस माला को इंद्र ने लिया और हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया। हाथी ने महाराज उस माला को कुचल दिया। हाथी ने उस माला को महाराज अपने पैरों तले कुचल दिया। तो पता है इंद्र के साथ में क्या हुआ था? इंद्र के पास देवताओं के पास जितना भी था महाराज, उस सबको राजा बलि चुरा करके ले गए थे, सब छीन ले गए थे। लक्ष्मी छीन हो गई थी। जो त्रिलोकी का राजा बना बैठा था इंद्र, आज खाली हाथ रह गया। क्यों? क्योंकि प्रसाद का अपमान कर दिया था। और आपको तो बताया था देवताओं की माँ है अदिति। जब अदिति को पता चला कि मेरे जो पुत्रगण हैं वो आजकल बहुत कष्ट में रहते हैं, महाराज इंद्र को बुलाया कि क्या बात है कि आपको नहीं पता, हमारे पास जितना था सब राजा बलि ले गए, जितना हमारे पास में था सब लेकर के चले गए। मैया अदिति सांत्वना देते कि तुम परेशान ना होइए, आप परेशान ना हो। कश्यप जी महाराज के पास जाती है कि भगवान आपको बताएं मेरे जो पुत्रगण हैं कितने दिन से परेशान हैं, कितने तकलीफ में हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? सब कुछ महाराज था, वो सब कुछ लेकर के चले गए। कश्यप जी महाराज कहते हैं आप चिंता ना करिए, जितना है आपका सब मिलेगा। मैया अदिति को महाराज एक व्रत बताया कि आप इस व्रत को करिए, आपके घर साक्षात भगवान आएंगे। महाराज अदिति मैया ने उस व्रत का पालन करते हुए, जैसे उस व्रत का पालन करने लगे तो इनके घर महाराज बामन भगवान का आगमन होता है। नन्ही सी अवस्था में और महाराज गुरुजी के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। छोटी सी अवस्था है, जब शिक्षा को ग्रहण कर लिया तो कहा जाता है कि जब शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं तो दक्षिणा दी जाती है। जब दक्षिणा के लिए कहा तो गुरुजी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, इस दक्षिणा से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, इस दक्षिणा से मेरा कुछ नहीं होगा। बामन भगवान ने पूछा तो कौन सी दक्षिणा चाहिए आपको कि जाइए राजा बलि के महल, राजा बलि के महल जाइए। सारी बात बता दे महाराज। आज नन्हे से बामन भगवान महाराज हाथ में छतरी लिए हुए हैं, एक बगल से महाराज आसन दबाए हुए हैं और एक हाथ में माला झोली, महाराज राजा बलि की महल चलना शुरू कर दिया। जब उनके महल की ओर जाने लगे, जैसे ही राजा बलि की महाराज नजर पड़ती है, नन्हे से ब्राह्मण को देखा तो मन बड़ा गदगद होने लगा। कहते हैं कि नन्ना सा ब्राह्मण और मेरी महल की ओर चला आ रहा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। एक नन्ना सा ब्राह्मण और मेरे घर की ओर चला आ रहा है, मन बड़ा प्रसन्न था। जैसे ही बामन भगवान पास में आए तो राजा बलि कहता है महाराज आपका स्वागत है, आप आइए। आप कहां से आए हैं, आपका क्या नाम है? अब बामन भगवान और अपनी आंखों को बंद करके माला जपने में लगे हैं कि ये देखेगा मुझे तभी तो मन में भावना लाएगा। आंखें बंद है, माला जपने में लगे हैं राजा बलि के सामने। राजा बलि बार बार कह रहे हैं कि भगवान आज मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पर आए, आप अंदर आ जाइए। भगवान खड़े हुए हैं, माला जपने में लगे हैं। इधर महाराज जब देखा, जैसे ही माला पूरी हुई, बामन भगवान कहते हैं कि बताइए क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? कि भगवान आज मैं बहुत प्रसन्न हूं आप आए, आप आइए। अंदर आ जाइए, अंदर लेकर के गए महाराज। यज्ञ चल रहे थे, कन्याओं की शादियां हो रही थी। राजा बलि एक ऐसे राजा थे जो नित्य महाराज कन्याओं के विवाह कराते थे, नित्य महाराज उनके यहाँ यज्ञ होते थे, हजारों लाखों संत आते थे उनके यहाँ। राजा बलि ने पूछा कि भगवान आज कैसे आगमन हो गया, आज आपका कैसे आगमन हो गया? कि भगवान हमें पता चला आपके यहाँ यज्ञ होते हैं, कन्याओं के विवाह होते हैं,
तो हम चले आए, हम महाराज चले आए कि भगवान अंदर आ जाइए। वो प्रेम से प्रसाद खिलाया। अब जैसे ही महाराज देने का नंबर आया कि भगवान बताओ आपको क्या चाहिए, बामन भगवान कहते हमें तो पता है, हमने तो आपका नाम सुना है कि आपसे बड़ा दयालु, आपसे बड़ा कोई कृपावान नहीं है, आपके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि कहते हैं भगवान ये सब आपका आशीर्वाद है, आप सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, और हमने तो ये भी सुना है कि आपके यहाँ कन्याओं के विवाह होते हैं, बताओ भगवान तुम्हें क्या चाहिए। बामन भगवान मना करते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रसाद पाने आए थे, हमें पता चला यज्ञ होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तो महाराज बार बार कहने लगे कि खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जब बार बार कहने लगे फिर से बामन भगवान कहते हमें पता है आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है, आपके यहाँ रोज यज्ञ होते हैं, कन्याओं के विवाह होते हैं। तो राजा बलि कहते हैं तो भगवान विवाह ही कर लो, शादी ही कर लो, आप हम आपकी शादी करा देंगे। बामन भगवान कहते हैं भगवान आप मेरी तरफ देखिए, जिसके पास खुद रहने की व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ भंडारा पाने के लिए आया है, जब मेरी अकेले की व्यवस्था नहीं है तो शादी के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। राजा बलि कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक भवन बनवा देंगे, और खाने पीने की व्यवस्था मत करो, तुम्हारे भंडारे भरवा देंगे। बामन भगवान कहते हैं ये तो बहुत खुशी की बात है, सारी व्यवस्थाएं आप बना दोगे। बामन भगवान कहते हैं कि जब आप हमारी शादी करा दोगे ना तो शादी के बाद बाल गोपाल भी होंगे। बामन भगवान कहते हैं शादी के बाद बाल गोपाल भी होंगे। राजा बलि कहते हैं कि हाँ शादी होगी तो बाल गोपाल भी होंगे, उनमें से एक दो मरेगा भी। राजा बलि कहते हैं कि भैया मर भी सकता है तो फिर रोने की व्यवस्था कौन करेगा। राजा बलि कहते हैं बामन भगवान से कि पुत्र आपका मरेगा, पुत्री आपकी मरेगी तो रोना भी आपको ही पड़ेगा। बामन भगवान कहते हैं तो उस काम को हम क्यों करें जिससे बाद में रोना पड़े, हमें कोई शादी यादी नहीं करनी, हम कोई शादी यादी नहीं करेंगे। महाराज बड़ी मुश्किल से तैयार किया था, बामन भगवान ने छट से मना कर दिया कि हमें कोई शादी नहीं करनी है, हमें कोई शादी नहीं करनी। अब तो महाराज बामन भगवान सामने खड़े हुए हैं, बार बार भगवान कह रहे हैं कि मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, कुछ तो कुछ आपको लेना पड़ेगा। जब बार बार कह दे रहे हैं तो बामन भगवान कहते हैं कि अगर आप देना ये 3 पग जमीन दे दो, और वो भी मैं तुम्हारे पैर से नहीं लूंगा, अपने पैर से लूंगा। राजा बलि मुस्कुराने लग जाते हैं कि महाराज नन्हे नन्हे से पैर हैं, वो भी तुम अपने पैर से लोगे, जिसमें तुम्हारा आसन भी नहीं आएगा, तुम आसन भी नहीं बिछा सकते हो, क्या करोगे कि नहीं मैं ज्यादा क्या क्या करूंगा, मुझे तो भजन करने के लिए जगह चाहिए, आसन लगा लूंगा और खूब भजन करूंगा। जैसे ही 3 पग जमीन की बात आई तो राजा बलि के गुरु बगल में खड़े हुए थे शुक्राचार्य जी, बगल में महाराज शुक्राचार्य जी खड़े हुए थे। जब 3 पग जमीन की बात आई, बामन भगवान कहते हैं कि जब किसी वस्तु को दान दिया जाता है ना तो संकल्प किया जाता है, आइए संकल्प करिए। राजा बलि महाराज जैसे ही संकल्प के लिए तैयार होते हैं, शुक्राचार्य जी महाराज दौड़े दौड़े आते हैं। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा कि ये कोई बामन त्रेपन नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये तो नारायण है, मेरे शिष्य को छल्ले के लिए आया है, अभी सब कुछ लेकर के चला जाएगा। दौड़े दौड़े आए शुक्राचार्य जी, राजा बलि को एकांत में लेकर के जाते हैं। राजा बलि को महाराज एकांत में लेकर के जाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, मना कर दो, अभी संकल्प नहीं हुआ है, मना कर दीजिए।
राजा बलि कहते हैं कि महाराज हुआ क्या है कि तुमको नहीं पता ये साक्षात ब्रह्म है, ये साक्षात नारायण है, तुम्हारा सब चल करके ले जाएगा। और एक बात कहूं, राजा बलि कहते हैं कि अब मैं मना नहीं कर सकता, अब मैं मना नहीं कर सकता, मुझे पाप लगेगा। गुरुजी समझ जाते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पाप नहीं लगता है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं वहां पर पाप नहीं लगता है। गुरुजी कहते हैं इस व्यतरते प्राण संकटे। अगर किसी बेटी की शादी आपके झूठ बोलने से अगर हो जाए, किसी बेटी की शादी आपके झूठ बोलने से अगर अच्छे घर में हो जाए तो वहां पाप नहीं लगता है, वहां पर पाप नहीं लगता है। अगर कोई हत्यारा गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है, अगर आप उसे रास्ता भटका दो तो महाराज वहां पर भी आपको पाप नहीं लगता है, आपके झूठ बोलने से। और आपको पता है कि आपके झूठ बोलने से, मना करने से, अगर किसी की धन दौलत बच जाती है तो वहां पर भी पाप नहीं लगता है। राजा बलि आज तुम्हारा धन दौलत सोना चांदी घर मकान सब जाने वाला है, मना कर दो कि अभी कुछ नहीं देना, कि भगवान मैं मना नहीं कर सकता, मैं मना नहीं कर सकता हूं, मैंने वचन दे दिया है। बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि ये साक्षात ब्रह्म है, तुझे छल ले जाएगा। तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर एक ब्राह्मण होगा तो तीन पग जमीन लेकर के चला जाएगा, अगर ये ब्रह्म होगा तो संसार के लोग जान जाएंगे कि मेरे घर साक्षात ब्रह्म मांगने के लिए आया था, मेरे तो दोनों हाथ में। महाराज फिर से जाकर के खड़े हो गए कि प्रभु संकल्प करिए। अब जैसे ही वामन भगवान अपने कमंडलों से संकल्प करना चाहते हैं, जो कमंडल की जो नली होती है ना उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए कि ना जल गिरेगा और ना संकल्प होगा, ना जल गिरेगा और ना संकल्प होगा। बामन भगवान ने देखा कि गुरु होकर और इनकी दृष्टि में भेदभाव, अपने आसन से एक कुसार निकाली और उस नली में डाल दी। महाराज शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और महाराज राजा बलि को शराप देते हैं कि तेरा सब कुछ चला जाए, तेरी वजह से मेरी एक आंख फूट गई। और महाराज चले गए। सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं, हे राजन परीक्षित, गुरु की दृष्टि में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए, गुरु की दृष्टि में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ना गुरु को शिष्य के घर रोज आना चाहिए। जो गुरु शिष्यों के घर रोज आते हैं वो गुरु नहीं हुआ करते, शिष्य के घर रोज आकर के नहीं बैठ जाना चाहिए। कहा जाता है कि जब कोई गुरु कोई संत महाराज हमारे घर आते हैं तो बिना दक्षिणा दिए उन्हें विदा नहीं किया जाता। जब आप रोज शिष्य के यहाँ आके बैठ जाओगे तो शिष्य परेशान हो जाएगा, एक दिन उसके मन में हीन भावना आना शुरू हो जाएगी कि बच्चे को देखें या गुरु को देखें, बच्चों को पढ़ाए लिखाए कि इनको दक्षिणा दें। एक बार की बात है, एक गुरु जी थे महाराज, कहा गया है कि महाराज गुरु जब हम बनाते हैं ना तो सोच समझ कर बनाना चाहिए, ठोक पीट कर कि ये व्यक्ति हमारे गुरु बनाने योग्य है कि नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे घूम रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि शिष्य की क्या गति हो। आजकल महाराज बहुत लोग घूम रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि शिष्य हमारा किस स्थिति में है। गली गली में गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले हो, गली गली में महाराज आजकल भ्रमण करते हैं। गली गली में गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले हो, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा दे हो। उन्हें महाराज कोई मतलब नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या